जनपद चंदौली के चकिया से, जहां चकिया क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सैदूपुर में 22 वर्षीय युवक का शव कुएं में अज्ञात परिस्थितियों में पड़ा मिला। आपको बता दें कि उक्त युवक के शव की पहचान सुनील कुमार के रूप में की गई तथा युवक के गर्दन पर चोट का निशान था। बताया जाता है कि उक्त युवक अपने घर से किसी कार्यक्रम को देखने के लिए 2 दिन पूर्व ही निकला था तथा इस मामले में चकिया कोतवाली परिसर में उसके परिजनों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की कराई गई थी। वहीं सैदूपुर कुएं में युवक का शव देखकर ग्रामीण मौके पर शोर मचाने लगे। कुएं में उतराए शव की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद ग्रामीणों के सहयोग से शव को कुएं में निकलवाया तथा उस शव की पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई। वहीं शव की जाँच कर पड़ताल करने के बाद परिजनों को पुलिस द्वारा सूचना दिया गया। परिजनों ने शव पर चोट के निशान को देखकर आशंका जताई कि हत्या के बाद शव को कुएं में फेंक दिया गया। वहीं पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहन है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत गरला नई बस्ती के रहने वाले हैं। मोहन जी, जो घटना हुआ उसके बारे में बताइए, क्या है मामला? घटना जो है, सर मुन्ना नाम, पिता का नाम सनाफ लल्लन है। वो जो है वहाँ पर नाच थी 8 तारीख को निरहुआ की गांधी नगर में। ये लड़के पर फोन करके, सुनील उर्फ शेरू पर फोन करके मुन्ना यादव ने बुलवाया कि आप आइए, यहाँ नाच होने जा रही है निरहुआ की, यहाँ मुर्गा मीट बनेगा, खाया पिया जाएगा और नाच देखा जाएगा। और उस लड़की से उस मुन्ना यादव का टैली था, मिलान था। और जो है लड़का जब उसके हिरासत में हो गया तो बोलेरो में बैठा लिया। उसके विपक्षी मुन्ना का आदमी दूसरा हीरो हुंडा ले जा करके पालपुर रख दिया। इसको बोलेरो में बैठा के या अन्य कोई गाड़ी में बैठा करके वो जो है वहाँ पर पूरब की साइड ले गए हत्या करके। ये जो लोग छिपाए हुए थे बरहुआ गांव में, आज की रात में जो है बरहुआ स्कूल के कोई विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय पर कुआं में नाश को छुड़ा मार करके, इतना गर्दन में मार करके, छुड़ा मार करके जो है लाश को जो है फेंक दिए थे। आज लाश बरामद हुई। दिनांक 9 अक्टूबर को श्री राजकुमार निवासी पीतमपुर पथरैया थाना चकिया द्वारा अपने पुत्र सुनील के बारे में गुमशुदगी लिखाई गई थी। आज सुनील की लाश सैदूपुर में मिली है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।